शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर सुनसी में विशाल पटेल के साथ आपका स्वागत है। ले चलते हैं आज आपको ताजा तरीन खबरों की ओर। रोजाना की तरह बड़ी खबरें देखते हैं उत्तर प्रदेश की। बिजली विभाग की लापरवाही से 11,000 वोल्टेज से एक लड़की की मौत। जौनपुर नेवड़िया थाना क्षेत्र के निकट बलभद्रपुर गांव में बिजली की तार के चपेट में आकर 20 वर्ष की बच्ची की हुई मृत्यु। मृतक बच्ची का नाम चंदा पटेल, पिता का नाम मनीजर पटेल है। गांव वालों का कहना है कि दो दिन से बिजली पहले टूटा था, उसके बाद मतलब बुरा ही नहीं हुआ। उसके बाद वो लड़की गई शाम को मतलब बाथरूम के लिए, मतलब बिजली पकड़ ली और लोग बनाए नहीं। आपने शिकायत किया था आपके गांव वाले? हम नहीं किए थे, गांव वाले किए थे। तो क्या उसको हटाया नहीं गया? नहीं हटाया गया, अभी भी है। वही कही है प्रधान जी, आप बोलिएगा। अरे भाई तो हम ये है 24 घंटे पहले की रात, लेकिन जो है कि विभाग का कोई अधिकारी आकर कोई कर्मचारी वहाँ नहीं पहुँचा, इसीलिए वो अभी तक वैसे ही पड़ा है। नहीं पहुँचे थे, उसके बाद मतलब वो फिर बनाए। हाँ ठीक है, बनवाए भी नहीं। इसके बाद जो है कि अभी वैसे पड़ा है, उसमें करेंट आता जाता रहता है और विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। हम चाहते हैं कि विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, ये जो है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों की मांगे क्या? मांगे क्या है, मांगे जो है कि अरे क्षतिपूर्ति जो है चाहिए भाई, जो है कि उसको। क्या नाम है आपका? शिव कुमार पटेल। रहने वाले कहाँ के हैं? बलभद्रपुर के। पीड़ित परिवार के तार गिरल हो, एक दिन आ गए तो लाइन वाले बनाए नहीं है, पता नहीं कि लाइन नहीं रहा और अपन गए बाहर बदे लाइन भाई नहीं फोन करते हैं फिर आइए ना, लाइन कटते नहीं रहे। लाइन कौन नहीं काटा? बढ़िया है था थोड़ा पार भर लगते हैं। माता जी आप लोगों की मांगे क्या है? पाकिस्तान दिया है उन्हें और लड़की है, इनका गिना है।